सबको अपनी सांस्कृतिक धरोहर के जो झलकियां हैं सॉन्ग एंड डांस के रूप में देखने का मौका मिलेगा। ये लम्हे जो होते हैं बड़े यादगार होते हैं, लेकिन इन लम्हों को यादगार बनाने का ये भी तरीका है कि हम अपने मुख्य अतिथि को, जिनके आने से हमें बेहद हर्षोल्लास है, हम उन्हें कुछ ऐसी मोहब्बत की भेंट पेश करें कि जो उन्हें भी बहुत वक्त के लिए याद रहे। मेरी गुजारिश है जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री अरुण कुमार मेहता साहब से, श्री मनोज सिन्हा साहब से, कि वो मुख्य अतिथि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपने हाथों से एक शॉल और एक सुवेनिर पेश करें। सर शुक्रिया बहुत। और मैं मजीद ना कुछ कहते हुए, एक शेर भी न कहते हुए, आपसे गुजारिश करूंगा माननीय उपराज्यपाल से कि वो इस मौके पे अपने शब्दों से हमें नवाजें। भारत की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एन कोटेश्वर सिंह जी, हमारे सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, श्रीनगर शहर के मेयर श्री जुनैद मट्टू साहब, डीडीसी के चेयरपर्सन श्री आफताब मलिक जी, सभी उच्च न्यायालय के सभी माननीय न्यायाधीशगण, मुख्य सचिव डॉक्टर मेहता, डीजीपी दिलबाग सिंह, जनरल राजीव घई, जम्मू कश्मीर प्रशासन के, भारत सरकार के तथा सुरक्षा बलों के सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी, देवियों सज्जनों तथा मित्रों, राष्ट्र के मुकुटमणि कहे जाने वाले शारदा पीठ जम्मू कश्मीर के लिए आज उल्लास और उत्सव का दिन है। राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम तय होने के पश्चात ही केंद्र शासित प्रदेश के 1,35,00,000 नागरिक बड़ी उत्सुकता से उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज दोपहर में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के दीक्षांत समारोह में प्रतिभावान युवाओं को आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपना आशीर्वाद दिया, युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित भी किया। मैं आज इस नागरिक सम्मान समारोह में उनका स्वागत करता हूं, अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी का जीवन समाज के वंचित वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने, समाज में नारी शक्ति की गरिमा को पुनर्स्थापित करने तथा लक्ष्य के प्रति आस्था और उद्देश्य के प्रति दृढ़ता का जीता जागता उदाहरण है। उनके प्रारंभिक जीवन में तमाम संघर्ष और कठिनाइयां आईं, लेकिन उससे जूझते हुए भी राष्ट्रपति जी ने कर्मयोगी की तरह पूरी दृढ़ता के साथ समाज के कमजोर वर्गों की सेवा को सर्वोपरि माना। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और इंसान में उसे प्राप्त करने की अदम्य इच्छा हो, तब तमाम अवरोधों को पार करते हुए भी शिखर पर पहुंचा जा सकता है। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आपके कार्य, त्याग और जीवन मूल्य विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को निरंतर नई राह दिखाते रहेंगे। जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश, आज देश में सफलता की नई कहानियां लिख रहा है। अगस्त 2019 के ऐतिहासिक परिवर्तन के पश्चात राष्ट्र के मुकुटमणि ने पुनः अपना प्राचीन गौरव प्राप्त करने का गंभीर प्रयास शुरू किया है। भेदभाव की व्यवस्था समाप्त हुई है। अवाम के सबसे कमजोर और वंचित वर्गों को उनका पूरा हक मिलने लगा है, चाहे वो वाल्मीकि समाज के लोग हों, आदिवासी भाई हों, सफाई कर्मचारी हों, शरणार्थी हों, हमारी बहनें हों, किसान या युवा वर्ग
में भी एक नए आत्मविश्वास और नई आकांक्षा और आशा पैदा हुई है। संवेदनशीलता और सजगता के साथ माताओं बहनों के सपनों को साकार करने की दिशा में संवेदनशील ढंग से प्रयत्न किया जा रहा है। अनेक महत्वाकांक्षी नीतियों द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आज स्वयं अपने भाग्य की रचना करने का सामर्थ्य प्राप्त किया है और उसकी एक छोटी झलक आपने शाम के कार्यक्रम में स्वयं देखी है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ने जमीनी स्तर के लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की हैं। जन भागीदारी ने विकास यात्रा को अधिक गतिशीलता प्रदान की है। फंड फंक्शन और फंक्शनरी तो थ्री टीयर सिस्टम यहाँ देर से लागू हुआ, लेकिन आज मैं ये बात कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि देश के किसी राज्य से कम समय में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने चुने हुए प्रतिनिधियों को फंड फंक्शन और फंक्शनरी तीनों ट्रांसफर करने का काम किया। हमारे किसान भाई हों, आदिवासी भाई बहन हों, उनके सपनों को अपनी अपेक्षाओं के अनुसार प्रगति की नई ऊंचाई वो छू सकें, इसका पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सच है कि जम्मू कश्मीर का किसान देश में पांचवें सबसे ज्यादा मंथली इनकम वाले राज्यों में शामिल हुआ है, लेकिन मैं आज आपके सम्मुख ये बात कहना चाहता हूँ कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश के कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से बनाया है, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि आने वाले 4 वर्षों बाद देश के पहले या दूसरे राज्य में हम ही शामिल होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। आदिवासी समुदाय को फॉरेस्ट राइट एक्ट से लंबे समय तक वंचित रखा गया था, उन्हें अब जल जंगल जमीन पर उनके अधिकार सौंप दिए गए। आदिवासी परिवारों की नई पीढ़ी को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मॉडर्न स्किल की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, बिजनेस के नए अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों की कई पीढ़ियां बुनियादी सुविधाओं के इंतजार में खप गई थीं। दशकों के फासले को समाप्त करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से उन्हें भी शहरों के करीब लाने की कोशिश की जा रही है। सामाजिक समता, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक समरसता के आदर्शों के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों को भी संगठित ऊर्जा का स्वरूप मिले, इसकी कोशिश हो रही है। संपूर्ण खुशहाली आज हमारा एकमात्र उद्देश्य है। आतंकवाद अलगाववाद के इकोसिस्टम से नागरिकों को काफी हद तक मुक्ति मिल गई है। जिस तरह से हमारे पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने पिछले कुछ वर्षों में काम किया है, मुझे उम्मीद है कि आने वाला वह दिन जल्द ही हम सब देखेंगे जब आतंकवाद का नामो निशान जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं दिखेगा। शोषण मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, भयमुक्त की समाज की स्थापना वास्तव में हो, इसकी शिद्दत से कोशिश की जा रही है। शांति, सहअस्तित्व और लोकतंत्र के शाश्वत मूल्यों की नींव पर नए जम्मू कश्मीर की बुनियाद आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने का प्रयत्न हो रहा है। धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर एक बार पुनः देश विदेश के सैलानियों को आकर्षित कर रहा है। G20 की वैसे तो बैठक टूरिज्म ग्रुप वर्किंग ग्रुप की थी, लेकिन देश में और दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा श्रीनगर के बैठक की हुई और उसका प्रतिफल यह है कि विदेशी टूरिस्ट के आने की संख्या में 350% की वृद्धि हुई है। अभी हमारे मुख्य सचिव ने बताया कि गत वर्ष 1,88,00,000 टूरिस्ट आए थे, लेकिन सितंबर महीने तक यह आंकड़ा आज 1,67,00,000 से ज्यादा हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से 2.25 करोड़ से ज्यादा लोग इस बार जम्मू कश्मीर में आएंगे। यह सच है कि आजादी के बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं आया था। मोटे तौर पर लगभग 14,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ आया था। भारत सरकार की मदद से जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए बनी है, मैं आज कह सकता हूँ कि हर दिन एक नया उद्यम पिछले 1.5 वर्षों से जम्मू कश्मीर में लग रहा है और मैं आश्वस्त हूँ कि जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए भारत सरकार ने दी है, देश में इससे बेहतर इंसेंटिव किसी भी राज्य में नहीं है। दूर दराज के इलाकों में भी डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने में इस प्रशासन को सफलता मिली। मैं कह सकता हूं कि जब मैं आया था अगस्त 2020 में, 28 अक्टूबर की तारीख में नहीं बोलता हूं, मेरी आंखों के सामने 217 ट्रकों में फाइल लद करके श्रीनगर से जम्मू रवाना हुई थी और आज ऑनलाइन सर्विस प्रदान करने में जम्मू कश्मीर
मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए देश का पहला राज्य बन गया। सही मायने में डिजिटल सोसाइटी विकसित हो इसका ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है। तरक्की के नए स्मारक निर्मित किए जा रहे हैं जिससे आम नागरिकों को नई आशा नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही। जन सामान्य के जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़ी है। आजादी के पश्चात उन्हें पहली बार बिना किसी भय के अपनी मर्जी से जीवन जीने का अधिकार मिला है। 21वीं सदी जम्मू कश्मीर की सदी बने इसकी कोशिश हम सब कर रहे हैं। आज संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश में शांति और तरक्की की एक नई लहर आई है। नागरिकों में उच्चता और वैभव के शिखर प्राप्त करने का स्पष्ट लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है। पूरा देश अपेक्षा के साथ जम्मू कश्मीर की इस नई विकास यात्रा को देख रहा है। आत्मविश्वास से भरे 1,40,00,000 नागरिक इस यात्रा की गति को बनाए रखने के लिए मुझे पूर्णतः प्रतिबद्ध दिखाई पड़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश आने वाले समय में भारत के संकल्पों को भी पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ऐसा मैं मानता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी इस शारदा पीठ को देश की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक धरोहर के रूप में भी जाना जाता है। जम्मू कश्मीर की लोक संस्कृति विभिन्न भाषाएं परंपराओं के समृद्ध विविधता हमारी राष्ट्रीय एकता को और अधिक मजबूत करती है। यहाँ के कणकण में अध्यात्म की तरंग है। यहाँ की वादियों में ललेश्वरी और शेखुल आलम की प्रार्थना की शक्ति मौजूद है। उनकी अद्वितीय प्रखरता आज भी समाज का मार्गदर्शन कर रही है। ललेश्वरी ने समाज की प्राणों की संजीवनी को जागृत करते हुए सर्वधर्म संभाव एवं निष्काम कर्म की शिक्षा दी थी तथा उन्हें संकल्पों की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया था। कदम तुल परकर पांदा परवाज तुल, तू तेज कदमों से चल, तू पंख पैदा कर और परवाज कर। परमहंस ललदेव का यह वाक आज भी सर्व समाज की रूहों को नए क्षितिज छूने का सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। आदरणीय राष्ट्रपति जी, भारतीय अध्यात्म भक्ति योग उपासना इस पुण्य भूमि पर मैं एक बार पुनः आपका हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपको यहां आने के लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। सर, थैंक यू वेरी मच इंडीड। जम्मू कश्मीर को सचमुच पिछले 3 वर्षों के दौरान जो उन्नति जो प्रगति प्राप्त हुई है वो अभूतपूर्व है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्य अतिथि देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से निवेदन करता हूं बड़े आदर से बड़े विनय से कि वो अपने आशीर्वचन हमें दें। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नागरिक अभिनंदन समारोह में उपस्थित जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जन, माता वैष्णो देवी और हजरत बल की रहमत से महफूज तथा ललेश्वरी ललदैद और नंदरुषी शेख नूरुद्दीन की दुआओं से परिपूरी जम्मू कश्मीर को सरजमीन को मैं सलाम करती हूँ। राष्ट्रपति के रूप में ये जम्मू कश्मीर की मेरी पहली यात्रा है। आज जिस गर्वजोशी के साथ आप सबने मेरा स्वागत किया है उसका एहसास मेरे दिल में है और दिल के गहराई को मेरा छू गया है। इसकी यादें मेरे दिलो दिमाग में हमेशा बनी रहेगी। ऐसे स्वागत के लिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, उनकी पूरी टीम और जम्मू कश्मीर के 1,30,00,000 लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। आज सवेरे मुझे वॉर मेमोरियल में भारत माता के अमर सुपुतों को श्रद्धा पुष्प अर्पित करने का सौभाग्य मिला। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों की ओर से उन शहीदों की स्मृति को नमन करती हूँ
मैं वीर नारियों के प्रति विशेष आदर व्यक्त करता हूँ। अलग अलग क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ मौजूद थे। आप सबने इस क्षेत्र का ही नहीं पूरे देश का नाम बढ़ाया। मैं आप सभी की दिल से तारीफ करती हूँ। देवियों और स्वजन, कश्मीर में लगभग 1400 साल पहले आए हुएनसांग ने लगभग 1000 साल पहले आए ओल गुरुनी ने तथा लगभग 350 साल पहले आए वाशुआ बर्नियर ने कश्मीर की और यहाँ के लोगों की बहुत तारीफ की है। यहाँ आर्ट, कल्चर और एजुकेशन के बहुत बड़े सेंटर्स हैं। कश्मीर के बारे में प्राचीन काल में लिखे गए हैं नीलमोत पुराण में कही गई एक बात यहाँ की एंशिएंट कल्चर और ऊंची सोच के बारे में जानकारी मिलती है। नीलमोत पुराण में लिखा है, सत्यम गीत वाद्यम चो तथा सेयम चो मंगलम, अर्थात गीत और साज को सुनना चाहिए तथा नेक काम में लगे रहना चाहिए। हमारा देश में ओदिबों और संतों का हुकुमराना से ज्यादा इज्जत देने वाले रिवाज रहा है। रूहानियत पर जोर देने की वजह से ही हमने पूरी इंसानियत को एक ही कुनवा माना है और वसुधैव कुटुंबकम का रास्ता सबको दिखाया है। कश्मीर की घाटी में रंग बिरंग फूल तो होते ही है, ये घाटी एक रूहानी गुलदस्ता भी है। करीब 2000 साल पहले कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जिसके बाद हीनयान और महायान के सिद्धांतों की व्याख्या शुरू हुई। विद्वानों की मान्यता है कि आज से लगभग 1300 साल पहले इस श्रीनगर में शंकराचार्य ने शक्ति की महिमा का वर्णन करने के लिए सौंदर्य लहरी और आनंद लहरी की रचना की थी। लगभग 700 साल पहले के लल दयेत के बाग और शेख नूरुद्दीन की नसीहतों से जो रूहानी रोशनी फैले उसका उजाला इंसानियत को हमेशा सही रास्ता दिखाए है। बोटसा जैनुल आब्दीन जैसे हुक्मराना ने अदब और रूहानियत को भी बढ़ावा दिया है। धर्म और साहित्य दोनों क्षेत्रों में अद्भुत योगदान देने वाले कश्मीर के अभिनव गुप्त ने 10 सदी में साहित्य का एक बहुत अच्छा सिद्धांत समझाया था जो जिंदगी के हर पहलू के लिए सही साबित होता है। जैसा कि सभी जानते हैं, साहित्य में वीर रस, हास्य रस तथा रौद्र रस रस जैसे 9 रस माने जाते हैं, जैसे नवरस कहते हैं। अभिनव गुप्त ने ये कहा था कि शांत रहकर भी सभी रसों का केंद्र या स्रोत हम ले सकते हैं। शांत रस और शांति को सबसे बड़ा मानने की जम्मू कश्मीर की इस विरासत के लगातार मजबूत बनना है। उनकी विरासत के मुताबिक आज का कश्मीर एक नई पर्वत ले रहे हैं। तरीकी, अमन चैन और खुशहाली का एक नया दौर शुरू हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ई गवर्नेंस, हेल्थ केयर, हाउसिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, ट्राइबल आउटरीच और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। ये बहुत खुशी की बात है कि इस साल सितंबर तक लगभग 1,70,00,000 जो अभी बताते थे 88,00,000 तक टूरिज्म कश्मीर जम्मू कश्मीर आ चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। मुझे बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में हुई G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में
आए विदेशी प्रतिनिधि बहुत प्रभावित होकर यहाँ से गए। उस मीटिंग का कश्मीर सहित पूरे देश के टूरिज्म को अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आज मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में हिस्सा लिया। वहाँ मैंने नौजवानों को खासकर हमारी बेटियों में तरक्की का जज्बा देखा। कुछ देर पहले मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बहनों और ट्राइबल ग्रुप्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उनमें भी कुछ अच्छा करने का जोश भरा हुआ। ऐसे सभी बदलाव के लिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जम्मू कश्मीर के लोग अपने योगदान के लिए चाहे जाते हैं। गुलाम नबी आजाद जी और मुजफ्फर हुसैन बेग जी जैसे जनसेवकों को पद्म भूषण से नवाजा गया है। श्री गुलाब मोहम्मद जॉर्ज को कला के क्षेत्र में और श्री मोहन सिंह को साहित्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2023 के पद्मश्री पुरस्कार में सम्मानित करने का अवसर मुझे मिला। जम्मू कश्मीर के ऐसे खास लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। हमारा देश आजादी के बाद के अमृत काल से गुजर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने की और जम्मू कश्मीर के लोग भी उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि शांति, प्रगति और देश प्रेम के रास्ते पर जम्मू कश्मीर के लोग हम कदम होकर आगे बढ़ते रहेंगे। मैं दिल से दुआ करूंगी, चाहती हूँ कि इस तरह जाफरान या केसर की खुशबू फैलती है, वैसे ही जम्मू कश्मीर की तरक्की को शहरत देश दुनिया में चारों ओर फैले। इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much indeed, ma'am. माननीय राष्ट्रपति ने केसर की खुशबू की जो मिसाल दी, मेरे ख्याल में इतनी खूबसूरत मिसाल और इतनी खुशबूदार मिसाल नहीं मिल सकती है कि केसर की खुशबू जैसे हमारी तरक्की की खुशबू फैले पूरी दुनिया में, पूरे देश में, इससे बड़ा क्या हो सकता है। माननीय राष्ट्रपति ने अपने भाषण में नीलमत पुराण के एक श्लोक का जिक्र किया कि गीत और साज सुनते रहना चाहिए, और अब इस समारोह में वही क्षण आ चुका है। गीत सुनने का, साज सुनने का, नृत्य देखने का। मेरी गुजारिश है, सभी ने गुजारिश है राष्ट्रपति महोदय से और उपराज्यपाल से कि वो तशरीफ ले जाएं सीट्स पे अपनी, ताकि यहाँ पे कार्यक्रम विधिवत रूप से आरंभ हो जाए।